इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भाई, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन 2006 में नीट में आया हुआ है भाई, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है भाई, ठीक हो गया। जो किस चीज़ से रिलेटेड है, जो है मैक्स बॉर्न स्क्वायर से रिलेटेड है भाई, ठीक हो गया। तो मैं इस वीडियो में पहले आपको समझाऊंगा मैक्स बॉर्न स्क्वायर होता क्या है। किसकी बात करूंगा, मैक्स बॉर्न स्क्वायर, ठीक हो गया भाई। देखो भाई, इसे थर्मोडायनेमिक्स का जादुई डिब्बा भी बोलते हैं, तो देखो भाई ये मैक्स बॉर्न स्क्वायर होता क्या है। देखो, इसको ड्रॉ करने का बहुत सिंपल मेथड है भाई। स्क्वायर का मींस एक स्क्वायर बना दो, ठीक हो गया, और इसमें दो एरो है, इस एरो की पोजीशन ऐसी ही होगी भाई, इस टाइप से एरो की पोजीशन होगी, ठीक हो गया। याद रखना इसके जो कॉर्नर्स हैं, समय कौन कौन से कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, एक कॉर्नर ये वाला, दूसरा कॉर्नर ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक हो गया। कॉर्नर्स पे हमेशा जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जो कॉर्नर्स पे होते हैं वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक हो गया। देखो मिडिल की बात करूंगा तो देखो मिडिल में फर्स्ट ये है, ये वाला देखो, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा हो गया, ठीक हो गया। ये हो गए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इनको क्या बोलते हैं भाई, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो याद रखना जो मैक्स बॉर्न स्क्वायर है, याद रखना वो क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में आपस में कुछ रिलेशंस देता है भाई, ठीक हो गया। तो देखो अगर मैं मैक्स बॉर्न स्क्वायर की बात करूं तो मैक्स बॉर्न स्क्वायर क्या करता है, दिस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर इज द निमोनिक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ड्राइव अ नंबर ऑफ यूजफुल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। समझाया, तो इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो क्या है कि जो मैक्स बॉर्न स्क्वायर है उसकी सहायता से हम बहुत सारे यूजफुल थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं भाई, ठीक हो गया। तो देखो अब इसमें कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आते हैं, तो देखो बहुत अच्छे से देखना भाई, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा भाई, ठीक हो गया। तो देखो यहां पर से आपको लिखना है यू हैव गुड ऑडियंस। समझाया, यू का जो मीन्स है, यू का मीन्स है इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एच को बोलते हैं एंथैल्पी। जी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। और ए जो है इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। क्या बोलता है भाई, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। देखो भाई, और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूं तो वो होता है, देखो भाई वो होता है, यहां से देखो ये आएगा एस पी वी टी। समय नाम क्या बोलोगे, बोलोगे सत्य प्रकाश वेरी टायर, ठीक हो गया। इस तरह से हमें याद रखना है इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को। समाया, तो यहां से बोलोगे यू हैव गुड ऑडियंस। समाया, तो यू मींस इंटरनल एनर्जी हो गई आपकी, समय एच आपकी एंथैल्पी हो गई, जी गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, और ये जो ए है उसको बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ठीक हो गया। तो जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात आती है उसको याद करने का तरीका क्या है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे, ठीक हो गया। तो देखो इससे कौन कौन से यूजफुल थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकलते हैं मैं वो बताता हूँ भाई, ठीक हो गया। तो देखो
देखो भाई, याद करने का तरीका, यू हैव गुड ऑडियंस, ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या आएगा, सत्य प्रकाश, ये आएगा सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो भाई, ये यहाँ पे जो हमारा, देखो देखो भाई, तो आप इस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से क्या निकाल सकते हो, जो तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन देता है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है, ठीक हो गया भाई। अब ये रिलेशन कैसे रिलेशन है, तो देखो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यू की, इंटरनल एनर्जी की, समय, तो इंटरनल एनर्जी को क्या लिखूंगा, यू इज इक्वल्स टू, वो फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है भाई, समय, ये फंक्शन होगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का। तो इसके आसपास कौन से वेरिएबल आते हैं, एक आता है एस और दूसरा आता है क्या, वी। तो ये जो फंक्शन होगा एस और वी का हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आती है एंथैल्पी की बारी, एच, समाया, तो एच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फंक्शन ऑफ, इसके आसपास के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स देखो भाई क्या है, एक है एस एक है पी, तो यानी कि ये एस और पी का क्या है, फंक्शन है, ठीक हो गया। अगला देखो जी, जी इज नथिंग बट इट इज फ्री एनर्जी, तो जी किसका फंक्शन है, जी है पी और टी का फंक्शन, जी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एंड टी, और लास्ट बचा है हेल्मोट्ज एनर्जी, तो हेल्मोट्ज एनर्जी हुआ ये, और इसके आसपास क्या है, टी और क्या है, वी, तो ये आ जाएगा टी एंड वी, ठीक हो गया भाई। तो देखो ये तो मैंने आपको रिलेशन बता दिए, ठीक हो गया। देखो इसका एक एग्जैक्ट डेरिवेटिव फॉर्म है भाई, तो जो पहला वाला है उसको लिखोगे डी यू, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू जो रिलेशन है उसको क्या लिखोगे, डी एस और डी वी, ठीक हो गया। सिमिलर मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, डी एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है एस और पी, तो क्या लिखोगे, डी एस और डी पी, ठीक हो गया। थर्ड जो है वो है डी जी इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, डी पी और डी टी, ठीक हो गया। और लास्ट क्या है, डी ए इज इक्वल्स टू डी टी और डी वी, समय, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की विद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ओके। तो देखो भाई अब एक बात और याद रखना, याद रखना, ये क्या है, ये क्या है, डी एस, समाया, डी एस के साथ क्या आ रहा है भाई, डी एस के साथ क्या रहा है, एस के आगे वाला वेरिएबल्स देखो, एस के आगे वाला वेरिएबल्स देखो, ये एरो के थ्रू, समाया, क्या रहा है, टी, तो इसके साथ क्या लिखना है, टी, ठीक है। ऐसी डी वी, डी वी मीन्स वी के आगे वाला वेरिएबल देखो, तो V के आगे वाला जो वेरिएबल्स है, डायगोनल वाला वेरिएबल्स देखना क्या है, P, क्या है भाई, P, तो इसके आगे क्या लिखोगे, P। सेम देखो जो DS है, फिर देखो ये S हुआ, और S के आगे वाला देखो, आगे क्या आ रहा है, डायगोनली क्या आ रहा है, T, तो इसको क्या लिखोगे, T। वैसे P के डायगोनली देखो, तो P के डायगोनली क्या आ रहा है, V, तो इसको क्या लिखूंगा, V, ठीक हो गया। सिमिलरली फिर दूसरे वाले में क्या, P, तो P के डायगोनली क्या है भाई, V ऑलरेडी, तो यहाँ पे आएगा V। अब आया T, तो T ये है, T के डायगोनली क्या है, S, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, S। सेम अब आया DT, DT के डायगोनली क्या है, S, और DV देखो, DV के डायगोनली क्या है, ये वाला P, तो ये V है, और इसके डायगोनली यहाँ पे क्या आ गया, P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P। अब देखो भाई, अब देखो, अब इनके आगे साइन लगाना है, साइन, तो साइन कैसे आएंगे भाई, देखो साइन कैसे आएंगे, याद रखना, रिमार्क करके लिख लो इस चीज को, रिमार्क करके लिख लो, समाया, इफ एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड द वेरिएबल, पहला क्या है, इफ एरो, एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड, पॉइंटिंग टुवर्ड, टुवर्ड वेरिएबल, समय, तो जो साइन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो भाई ये वी वेरिएबल है, अगर एरो इसकी तरफ को आ रहा है, तो जो वी के आगे साइन आएगा वो क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा। समाया अगर एरो इस वी से दूर जा रहा होता समाया, तो याद रखना जो साइन आता वो क्या आता भाई, निगेटिव आता। क्या आता भाई, निगेटिव। ठीक हो गया। तो आगे देखो, इफ एरो, अगर मैं बात करता हूं एरो की, इफ एरो इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम वेरिएबल, तो जो साइन है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ आया। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं टी, तो देखो एरो का जो साइन है वो टी की तरफ को ही है। समय जो एरो आ रहा है वो टी की तरफ को आ रहा है, इट मीन्स जहां जहां पे भी टी है वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा, प्लस। समय ये क्या आएगा, प्लस। ठीक हो गया। अब देखो दूसरा एरो वी की तरफ को जा रहा है, किसकी तरफ को जा रहा है, वी। तो वी के आगे क्या लगेगा, प्लस। वी के आगे हमेशा क्या लगेगा इस टाइम पे, प्लस। समय अब देखो जो ये एस है, एंट्रोपी है एस, एरो उससे दूर जा रहा है, समय तो एस के साथ क्या आएगा, निगेटिव। तो एस जहां पे भी दिख रहा है उसके साथ क्या लगा दो, निगेटिव। समय और पी जो है, पी से भी एरो क्या जा रहा है, अवे। समय अवे जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, तो इट मीन्स जहां पे भी पी है वहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो। समय तो बहुत ईजी है। समय क्या करोगे, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसके आसपास वाले जो वेरिएबल्स हैं, समय वो उसका फंक्शन होगा। और लिखेंगे कैसे, अगर मैं डी यू लिखना चाह रहा हूँ समय, तो डी यू क्या आ जाएगा, डी एस और डी वी आएगा इसके साथ। और एस के याद रखना जो डायगोनली वाला वेरिएबल है वो क्या है, टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। और इसके डायगोनली जो वेरिएबल्स है वी के, वो क्या आ जाएगा, पी। एरो टी की तरफ को आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एरो पी से दूर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। समय जो ऐसे बना है। ठीक हो गया। तो एक बार मैं आपके लिए ये इक्वेशंस अच्छे से लिख देता हूँ भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, जो डी यू आएगा समाया, इसके आसपास के जो वेरिएबल है वो क्या है, एस और क्या है, वी। तो ये क्या आ जाएगा, डी एस और क्या आ जाएगा, डी वी। समाया वी से जो डायगोनली है वो क्या है, पी। और एरो इस पी से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। समाया तो इसके साथ क्या आएगा, निगेटिव। ऐसी जो डेल एस है, एस, एस के जो डायगोनली है वो क्या है, टी। और जो एरो है इस टी के तरफ को ही आ रहा है समाया, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। दूसरा बात करेंगे डेल एच की, तो डेल एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच के आसपास वाले जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, पी और एस। तो ये क्या आ जाएगा, डी एस और क्या आएगा, डी पी। समय पी के डायगोनली वाला जो वेरिएबल है वो क्या है, वी। पी ये है और पी के डायगोनली जो है वो क्या है, वी। समय और एरो वी की तरफ को आ रहा है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एस का जो डायगोनल वाला वेरिएबल है वो क्या है भाई, टी। तो ये क्या आ जाएगा, टी डी एस। और टी की तरफ को एरो आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ऐसी ही डेल जी का आ जाएगा समय, ऐसे ही डेल जी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल जी के साथ क्या आएगा, डी पी और क्या आएगा, डी टी। टी के जो डायगोनली है वो क्या है, एस। और एरो एस से दूर जा रहा है तो क्या आएगा, माइनस। पी के जो डायगोनली है वो क्या है, वी है। और एरो वी की तरफ को आ रहा है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव। अब बात आएगी डी ए की, तो ए के जो आसपास के वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डी वी और डी टी। ठीक हो गया। टी के जो डायगोनल आ रहा है वो क्या रहा है, एस। और एरो एस से दूर जा रहा है तो क्या आएगा, माइनस। समय और वी के जो डायगोनल है वो क्या है, पी। और एरो याद रखना पी से दूर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समय तो ये चारों के चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के साथ है। समय अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है जो डेल जी है, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, समय क्या होता है। तो देखो भाई, देखो जो आंसर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, डेल जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी। समय देखो, मैंने आप लोगों से बोला है, मैंने आप लोगों से बोला है ये डी और ये डेल, समय लगभग लगभग चीज़ें सेम ही है, अगर स्मॉल चेंज है
तो याद रखना डेल आएगा समय, और अगर बड़ा चेंज है तो उसके लिए क्या आएगा, ये डेल्टा वाला डी आएगा फॉर बिग चेंज, समय भाई। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल जी इज इक्वल्स टू वी डेल पी माइनस एस डेल टी, ठीक हो गया भाई। अब कंडीशन लगाओ, अब कंडीशन लगाओ भाई, कंडीशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, समय। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ डी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, और डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कांस्टेंट का चेंज करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो हमेशा कितना आएगा, जीरो। तो इट मीन्स डेल जी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी, डी पी की जगह कितना आ जाएगा, जीरो, माइनस एस डेल्टा की जगह कितना आ जाएगा, जीरो। तो यानी कि डेल जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ आया। अगर ये जीरो हो गया, इट मीन्स मैंने आपको बताया था अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर डेल जी की वैल्यू जीरो होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है भाई। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं ए रिएक्टेंट से बी पर गया समय, बट जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इट मीन्स ए बी में कन्वर्ट होगा, फिर बी जा करके दोबारा डिफॉर्म हो जाएगा किसमें, ए में, समय। फिर ए बी में जाएगा और बी ए में जाएगा भाई, समय। याद रखना जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, समय। डायनेमिक इन नेचर का मतलब ए बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में कन्वर्ट होगा, ए बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में कन्वर्ट होगा भाई। तो ये रैपिड कन्वर्जन चलता रहेगा, समय। तो ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन है डेल जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो, सही है, सिस्टम हैज अटेंड द इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है। दूसरा क्यों सही नहीं है, इफ सिस्टम डेल जी की वैल्यू तो इसने भी जीरो दे रखी है, लेकिन इसने बोला द सिस्टम इज स्टिल मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर रिएक्शन की डेल जी जीरो है तो मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रही है भाई, समय। रिएक्शन पहले ए से बी जा रही है, फिर बी से ए आ रही है, समय, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और सी और डी नहीं हो सकता, समय। डेल जी ऑफ अ सिस्टम, देखो सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर जीरो ही आना है, जीरो वाले दो आंसर है ए और बी, और ए वाला जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट हो गया, ठीक है। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपको मैक्स बॉर्न जो स्क्वायर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।